हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा टेक्नोलॉजी के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम जावा के एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड पे बात करने वाले हैं, एंड दैट इज एन स्टैटिक कीवर्ड। बिलीव मी, इस टॉपिक से रिलेटेड मिनिमम एक दो क्वेश्चन टॉप मोस्ट MNC में हमेशा पूछे जाते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, क्योंकि ये जावा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक को लेके पहले हम ये बात करते हैं कि स्टैटिक हम जावा में क्या क्या डिफाइन करते हैं, राइट? तो हम ये कहते हैं जावा में स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जावा इज हैविंग स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। जावा में स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जावा में स्टैटिक ब्लॉक होता है, जावा में स्टैटिक मेथड होती है, और जावा में स्टैटिक क्लास भी होती है, राइट? तो स्टैटिक को लेके हम जावा में मल्टीपल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, लाइक स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होती है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक क्लास क्या होती है। तो यहां पर आप देखिए, जब आप मेरे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे ना, जो आपको टेक विद्वान की साइट पर मिलेगा, इन हर टॉपिक पे मैंने कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। कि स्टैटिक ब्लॉक को लेके हमने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, स्टैटिक मेथड्स को लेके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट को लेके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, राइट? किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे मैंने बताए कि टॉप MNCs में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए स्टैटिक को लेके। तो यहां पर अभी हम बात करने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, स्टैटिक मेथड के बारे में, राइट? कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन टॉप मोस्ट MNC में पूछा जाता है, क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और मेथड वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, मेथड वेरिएबल, इनमें स्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम क्लास वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां स्टैटिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि स्टैटिक मेथड क्या होती है या स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, पहले अपन उनको डिस्कस करते हैं। तो सपोज अगर मैंने क्लास बनाई है, अब इस क्लास में हम ये कहते हैं कि मुझे एक ऐसा डेटा मेंबर चाहिए, ठीक है, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो। जैसे हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए अगर एक वेरिएबल है ए, तो कहने का मतलब ये है अगर मैं इस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करूंगा तो ये ए 10 बार मेमोरी एलोकेट करेगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए क्लास के वेरिएबल अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस मतलब जो मेमोरी एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब यह है मेरा कि यदि मान लीजिए मैंने इस मेन में, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक क्लास आई थिंक होगी, देखिए मैं उसी को यूज करता हूं ताकि हमें मेन ना लिखना पड़े, सी दिस वन, ये मेरी क्लास है। अब इस माई क्लास में सपोज मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है ना, बहुत थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए कि यदि मान लीजिए मेरे पास माई क्लास में कुछ वेरिएबल्स हैं, लेकिन उन वेरिएबल को मैं बोलता हूं कि दिस आर द इंस्टांस वेरिएबल। अब इंस्टांस वेरिएबल मतलब क्या, कि यदि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा इंटीजर ए और इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 5, तो अब इस क्लास का अगर मेन में मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं, मान लीजिए मैंने माई क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया M1 इक्वल टू न्यू माई क्लास, मैं इस क्लास का एक सेकंड ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं M2, ठीक है। तो मैं जितनी बार इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा, लाइक M1 को आपने डिफाइन किया, ठीक है, मैंने माई क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट डिफाइन किया माई क्लास M2 इक्वल टू न्यू माई क्लास, ओके, ये मैंने इस क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, राइट। जितनी बार मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए ए बार बार मेमोरी एलोकेट करेगा, ए M1 के लिए भी मेमोरी एलोकेट करेगा, ए M2 के लिए भी मेमोरी एलोकेट करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये अभी क्लास का इंस्टांस वेरिएबल है। दिस इज एन इंस्टांस वेरिएबल, और इंस्टांस वेरिएबल मतलब जो इंस्टांस का करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करते हैं, और इंस्टांस कौन होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि नहीं सर, मुझे इस वेरिएबल को ऐसा डिक्लेयर करना है कि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी एलोकेट ना करे, ये एक बार मेमोरी एलोकेट करे क्लास के करस्पॉन्डिंग, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल कॉमनली शेयर दिस वेरिएबल। जैसे अभी क्या हो रहा है, मैंने 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया तो इसने 2 बार मेमोरी एलोकेट की। मैं चाहता हूं कि ये ए ना M1 का हो ना M2 का हो, ये ए होना चाहिए माई क्लास लेवल पे, क्लास लेवल पे, राइट, कि एक बार ये मेमोरी एलोकेट करे और सारे ऑब्जेक्ट इस क्लास के इसको कॉमनली शेयर करें। तो यदि मुझे लगता है कि मुझे क्लास में ऐसे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है विच इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, तो फिर मैं इसको इंस्टांस वेरिएबल ना बना के क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, और क्लास वेरिएबल बनाने के लिए मुझे इसके आगे एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, स्टैटिक। तो यदि मैंने लिख दिया स्टैटिक इंटीजर, अगर मैंने लिख दिया स्टैटिक इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो अब कहने का मतलब यह है जो भी वैल्यू है 10, 5, अब ये
इंस्टांस वेरिएबल नहीं है, अब ये क्लास वेरिएबल है। और क्लास वेरिएबल है मतलब ये कि अब ये एक बार मेमोरी एलोकेट करेगा क्लास के करस्पॉन्डिंग, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास विल कॉमनली शेयर दिस वेरिएबल। अब इसको सारे क्लास के ऑब्जेक्ट कॉमनली शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाई वी शुड गो फॉर इंस्टांस वेरिएबल, व्हाई वी शुड गो फॉर अ क्लास लेवल वेरिएबल, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लास लेवल वेरिएबल। तो यहां पर आप देखिए वही जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जब आप प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये तो चलिए भी हमने बात की स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, लेकिन इनकी नीड क्या है, इन्हें क्यों डिक्लेयर किया जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आई होप जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स आप देखने वाले हैं उसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जहां पर मैंने बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो केवल स्टैटिक के लिए हैं, राइट। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं इस क्लास में कोई एक मैथड बना रहा हूं वॉइड डिस्प्ले, अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैथड है ये मैथड मुझे कॉल करना है, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, आई वॉन्ट टू कॉल दिस मैथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो यदि आपको लगता है कि क्लास के किसी भी मैथड को मुझे ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करना है, आई वॉन्ट टू कॉल दिस मैथड डायरेक्टली विद द क्लास नेम, मुझे इसको डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ कॉल करना है, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं एसी मैथड की, जिनको हम क्लास के नाम के साथ कॉल करने की बात करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ इस तरीके से लिखना होता है माई क्लास डॉट डिस्प्ले। लेकिन ये मैं कब लिख पाऊंगा, यदि आप चाहते हैं कि क्लास के इस मेथड को क्लास के नाम के साथ कॉल करना है, तो मैं मेथड को कैसे बना दूंगा, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक वो मेथड होती है जिनको कॉल करने के लिए देर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, राइट। लेकिन अब ये ध्यान रखना, अगर आपने किसी मेथड को स्टैटिक बनाया है तो वो क्लास के केवल और केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकती है। स्टैटिक मेथड नॉट अलाउड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि व्हाई स्टैटिक मेथड अलाउड ओनली स्टैटिक वेरिएबल, व्हाई इट इज नॉट अलाउड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो आप देखिए, जब आप देखेंगे उस कोर्स को तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के आंसर वहां पे मिलेंगे। जैसे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक, मतलब यहां पर अगर मान लीजिए मैंने बी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि नॉन स्टैटिक है, लेकिन अगर मैंने यहां पर इसको एक्सेस किया तो दिस इज एन एरर, ये एरर आ जाएगी। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने इसमें कोई सेकेंड मैथड बनाई शो, तो ये नॉन स्टैटिक मैथड है। अब अगर ये नॉन स्टैटिक है तो ये स्टैटिक मेंबर को भी अलाउड करेगी और ये नॉन स्टैटिक मेंबर को भी अलाउड करेगी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन के आंसर हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में आपको मिलने वाले हैं, जहां पर हम क्वेश्चन पूछा गया व्हाई नॉन स्टैटिक मेथड अलाउड बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, व्हाई स्टैटिक मेथड अलाउड ओनली स्टैटिक वेरिएबल। गॉट माय पॉइंट? तो स्टैटिक मेथड क्या होती है आई होप ये समझ में आया होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब आपको लगता है कि ऐसे वेरिएबल जो कॉमन हो हर ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप उनको स्टैटिक डिक्लेयर कर दीजिए। ऐसी मेथड जिनको कॉल करने के लिए आप चाहते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, दिस आर द इंस्टांस मेथड ऑफ अ क्लास, जो क्लास के नाम के साथ कॉल हो, तो इन मेथड को आप कैसे बना दीजिए, स्टैटिक। तो वंस आई डिफाइन दिस मेथड स्टैटिक, सो आई नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड। लेकिन स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि जावा में वी गॉट लॉट ऑफ मेथड विच इज एन स्टैटिक मेथड, जो आगे हमें अभी मिलने वाली है। जैसे अगर हम बात करें कि जब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डोंट वरी, मैं अभी लिखूंगा स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो ये जो पार्स इंट नाम की मेथड है, दिस इज एन स्टैटिक मेथड ऑफ द क्लास। जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, तो ये जो पार्स फ्लोट है ये स्टैटिक मेथड है क्लास की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनके किसी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, इंटीजर डॉट साइज नाम का वेरिएबल, ठीक है, तो ये आपको स्टैटिक मिलेगा, ताकि हम इसको क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्लास में किसी भी मेंबर को ऑब्जेक्ट के बजाय क्लास के नाम के साथ एक्सेस करते हैं, तो वो कहलाता है स्टैटिक। तो ये तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन है टॉप मोस्ट एमएनसीज के कि व्हाई वी नीड स्टैटिक वेरिएबल्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिक मेथड, व्हाई स्टैटिक मेथड अलाउड ओनली स्टैटिक वेरिएबल, तो ये सब आपको मिलने वाले हैं हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में। तो आई होप अभी स्टैटिक का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक क्यों बनाए जाते हैं, स्टैटिक की नीड क्या है। अब यहां पर आप देखिए एक चीज और, अगर मान लीजिए आपने सारी मेथड स्टैटिक बना दी है, आपका पूरा कोड ही आपने स्टैटिक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है अब आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट तो कभी बनाएंगे नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी एक्टिविटी अगर आपको इस क्लास में परफॉर्म करनी है जो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग पे करना है, अब कंस्ट्रक्टर तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का सेंस ही नहीं, आपने मेथड को तो स्टैटिक बनाया हुआ है। मान लीजिए अगर आपकी क्लास में मेथड स्टैटिक है, सारी मेथड आपने स्टैटिक बना दी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है जो कंस्ट्रक्टर में लिखनी थी लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, तो फिर यहां पर हम क्लास में बनाते हैं स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया स्टैटिक और ये ब्लॉक मैंने बना दिया और यहां पर फिलहाल मैंने लिख दिया सपोज हेलो, तो स्टैटिक वो ब्लॉक होता है जो क्लास की किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं बनाया, मैंने इस क्लास की कोई भी एक्टिविटी अगर मेन में परफॉर्म की है, फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए मैंने इस क्लास का मेथड ही डायरेक्टली कॉल किए, तो ये डिस्प्ले को बाद में कॉल करेगा, पहले आपका प्रोग्राम कॉल करेगा स्टैटिक ब्लॉक को। तो स्टैटिक वो ब्लॉक होता है जो क्लास में किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अब यहां पर भी देखो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनता है, जिसका जवाब में बिल्कुल आपको मिलेगा टेक विद्वान की हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, राइट, कि यदि मान लीजिए क्लास में स्टैटिक ब्लॉक भी है और कंस्ट्रक्टर भी है, अब क्या होगा? अब कंस्ट्रक्टर बना दिया, कोई जरूरी मतलब ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता। ठीक है, मुझे नीड नहीं है, पर बना दिया, तो अब पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा या पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये तो स्टैटिक ब्लॉक का मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी बताया है कि स्टैटिक वो ब्लॉक होता है जो हमेशा क्लास की किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो यदि आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो आप स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होती है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप देखिए मेन को भी तो हम स्टैटिक बनाते हैं ना, हम हमेशा लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने का रीजन क्या है? ठीक है, ये जो मैंने लिखा PSVM, इसको हम एक्चुअली क्या लिखते हैं? हम इसको पब्लिक बनाते हैं, हम इसको स्टैटिक बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि मेन की कॉलिंग हमेशा JVM करता है, और मेन को जब JVM कॉल करता है तो वो मेन को कॉल करता है क्लास के नाम के साथ, कि जब हम ये लिखते हैं ना रन करने के लिए जावा टेस्ट, ठीक है, तो एक्चुअली इसका इंटरनल मीनिंग होता है जावा टेस्ट डॉट मेन। तो मेन को भी स्टैटिक इसीलिए बनाया जाता है ताकि JVM इसको क्लास के नाम के साथ कॉल कर सके। तो ये स्टैटिक कीवर्ड का यूज आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बिलीव मी देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि इसमें इंटरव्यू में पूछे गए हैं स्पेसिफिकली फॉर स्टैटिक। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।